the aircraft. Passengers are coming. Crew, please take your position. ये नहीं, ये इस तरह ये हो गया ना। अब याद रखा कर, भूल जाती बार बार। चलो फिर साथ तेरा नीचे सर तो कर, किताब के अंदर सर रख के तो लिख रहा। हाँ देखो गंदी हैंडराइटिंग, तेरी हैंडराइटिंग देख जरा तू अपनी, हैं शर्म कर कुछ। अब्बू जी फिर जुकाम लगा लिया? दो सवेरे कपड़ों पर पानी पड़ गया था शायद इस ये। अब्बू जी मैंने आपको इतनी दफा मना किया है, आप मत किया करें काम। आपके काम करने से कोई बाग ठीक तो नहीं हो जाएगा? मेरे काम करने से क्या होता है, मैं कौन सा काम जोगा रह गया हूँ। बस जरा दर्द सा होता है, देखते ही देखते कोठी उजड़ गई। क्या बाग था, लोग बूटे मांगने आया करते थे। अरे माली के बगैर बाग तो नहीं ठीक होते। गोले आम को भी दीमक लग गई। हाँ ठीक है, तू कम बात तू देख ले, तू देख ले, तू सुना कर, हर बात सुना कर। तेरे सुनने की हो ना हो, सुनने लग जाते, सारा काम छोड़ती। कम बख्तो जिनके बाप मर जाए ना, उनको पांव पे खड़े होना चाहिए जल्द अज जल्द, फिर ही मुश्किलें कटती हैं उनकी। और तूने दसवीं नहीं पास करके दिखानी मुझे, तूने नहीं पास आहिस्ता मुझे पता दे रहा। तो क्यों इन बच्चों पे अपना गुस्सा उतारती रहती है बेटे? अब इनका कसूर तो नहीं कि तेरे साइना रहा? ये तो किस पे गुस्सा उतारूं फिर मैं, किसको इल्जाम दूं अपनी बदकिस्मतियों का? पता नहीं कब अपने पैरों पे खड़े होंगे, कब मेरी जान छूटेगी इनसे मुसीबतों से। इधर आ बेटा मेरे पास आ। उठती देख रहा आप ड्राइंगे बनाने लग जाएगा। ये गंदा जो है सारे दिन देखो हंसी कितनी इसको, हंसी कितनी इसको आती है। बच्चो यार इत्मीनान से बैठ के अपना होमवर्क करो, माँ को तंग नहीं किया करते, अपनी माँ को कभी कभी माफ भी कर दिया करते। इधर आ लो, मैं देखूं ये सारा सफर ठीक तरह से करना। बेटे मुझ पर फालिश तुम्हारे सामने ही गिरा था ना ये बड़ी, कोई उम्मीद थी कि मैं किसी रोज चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा? बादू तो आपका फिर भी ठीक नहीं हुआ ना। देखो बेटे, इंसान चाहे कोई भी रास्ता पकड़ ले, इस रास्ते पर खुशियां और गम जरूर होते हैं, लेकिन इंसान अपने आंसुओं की वजह बदल सकता है, मगर मुकम्मल तौर पर इन आंसुओं को निकाल नहीं सकता अपनी जिंदगी से। काश अब्बूजी मेरी तो शादी ना हुई होती। देखिए ना मरियम की शादी नहीं हुई, कितनी खुश है वो, अपनी जिंदगी गुजारती है, अपना खाती अपना कमाती है। अरे मैं देखो बेटे,
जब शादी नहीं होती ना तो बच्चे नहीं होते, अपना घर नहीं होता, महरूमी के आंसू होते हैं तब, और जब शादी हो जाती है तो और तरह के आंसू निकलते हैं, जुल्म और ज्यादती के आंसू, जबर और तशद्दुद के आंसू। ये आंसू तो निकलने के लिए बने हैं बेटे, ये निकलते ही रहते हैं। अब्बाजी, उन्होंने मेरे में कोई जुल्म किया होता, कोई ज्यादती की होती, किसी और औरत से शादी कर लेते, मैं वो सब सबर से बर्दाश्त कर देती। अब्बाजी, उन्होंने तो मुझे कभी फूल से नहीं मारा। तू तो फूलों की सेज पर भी सदा रोती रही। जिनके शौहर पिछड़ जाते हैं ना, उनके आंसू भी नहीं देखे जाते बेटे। इतने अच्छे हालात देखने के बाद इतनी मोहताजी, मेरे बच्चों का क्या हाल है? अबू जी देखे मेरा क्या हाल है। देखो बेटे, अगर हौसला करके, बिल्कुल हौसला करके एक दिन तू शहर में या कभी रात में अकेली बैठकर अपनी खुश दिली से अपनी किस्मत को मुआफ कर देना, यानी बिल्कुल अपना दिल बड़ा करके, चौड़ा करके दे। अबूजी, मैं नहीं किस्मत को माफ कर सकती, मैं नहीं कर सकती अबूजी, ये क्षमा कीजिए अबूजी, मुझसे नहीं होगा ये। बेटे, इन आंसुओं पर राजी हो जाए तू, जो इस वक्त तेरे रास्तों में बिखरे पड़े हैं, तो शायद तुम्हें अपनी राहतों की शनाख्त में इतनी देर न लगे बेटे। अबूजी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती अबूजी। आप कर सकते हैं, आपको किस्मत को माफ कर देना मुबारक हो अबूजी, आपको ये राजी पर रजा रहना मुबारक हो अबूजी, मैं नहीं कर सकती। आप एक रिटायर्ड आदमी हैं, आपको ये सब सूट करता है, मैं किस तरह अबूजी, मैं कैसे, आप मुझे बताएं मैं किस तरह करूं अबूजी। ओ कमबख्तो, ओ बदकिस्मतो, बदकिस्मतो, मैं बात करने लगी लगे बातों में, ये तेरी रफ्तार रही ना तो 3 महीने तक तेरी काफी के खत्म नहीं होगी, 3 महीने लग जाएंगे तुम्हें काम। तू इधर 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 उतर जा। और तू ना, तूने क्या लिखा है उस वक्त से, मैं उधर से क्या लिखा तूने, हैं बोल तूने क्या लिखा बता। सो गई है बाजी। वो जब तक साथ न लेटे उसके बच्चे सोते ही नहीं, खपा मारते हैं बेचारी को। आपने फिर बुखार कर लिया ना बाजी? जरा सर्दी सी है ना, इसलिए 2-3 रोज में धूप निकल आएगी तो बुखार ने चले जाना है। आप याद, मैं बाजी के लिए पाइने पर लाई थी। पाइने पर बाजी के लिए? तो क्यों खामखा अपने पैसे जाया करती फिरती है, कुछ जोड़ जमा कर अपने लिए। जोड़ के क्या करना है अब्बा जी? मुश्किल वक्त के लिए बेटे। आपके बाजू की मालिश कर दो। अरे नहीं, वो अभी नूर करके गई है, तू लेट जा, शाबाश शाबाश, आराम कर, सो जा। दोपहर का खाना खाया था तुमने? कहाँ अब्बा जी, आज तो टाइम ही नहीं मिला, इतने पैसेंजर्स थे बस में, क्यों नहीं को खाना खिलाते खिलाते कराची आ गया। तो तू यूं किया कर कि रास्ते में खा लिया कर। अच्छा, घर में कोई तेरी माँ तो है नहीं जो तेरा ख्याल रखेगी? वो बिजली का बिल भेज दिया था पति? हाँ, वो जमील साहब का नौकर आया था, लेकिन 50 रुपए कम हो गए थे। पाजी तेरे मैं देती हूँ, अब देखे इसे ना तोड़वाना, सुबह होते ही भेज देना वरना बिजली कट जाएगी। नहीं नहीं, मैं खुद जमील साहब के हाथ में दूंगा, नूर के हाथ में दो तो खर्च हो जाते हैं। बाजी भी क्या करे, इतने अखराज आते हैं बे ढंगे किस्म के, किसी करवट चैन नहीं रहने देते।
अरे गोलियां तो खिलाए ही नहीं आप। मैं खुद लूंगा। अच्छा बेटा अरे नहीं बेटे तुम सो सो रही हूँ। सो जा बेटे सो जा सो शाबाश। जी वो आई है। कौन? जी वो हवाई जहाज वाली बीबी। ये कहाँ से आ करके फिर से? तूने बताया नहीं कि साहब घर पर नहीं है? बताया था जी, लेकिन वो कहती हैं कुछ चीजें देनी है आपको। चीजें देनी है तो फिर बुलाओ उनको अंदर, बाहर क्यों खड़ा रखा है? आओ आओ। नहीं आप तो मुझे बाहर ही भूला, मालूम नहीं बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। आओ आओ मारे आओ। तुम कहाँ गायब रही हो इतने दिनों से? सर वो कराची लंदन रूट पे लगी हुई थी आंटी, इसलिए आ नहीं सकी। अच्छा अच्छा, लंदन कैसा है? बहुत ठंड है, हर तरफ बर्फ पड़ी है। अच्छा भाई कॉफी लाओ जल्दी। ये आपके लिए स्प्रे लाई हूँ आंटी। मेरे लिए? जी। ओह हाउ लवली। भाई मुझे तो ये जवैन की स्मेल बहुत ही पसंद है। तुम के लिए चाय और स्वेटर भी लाई है। भाई ये तुम उसे खुद ही देना। अंकल किधर है? वो अंकल तुम्हारे इस्लामाबाद गए हुए। उनकी सारी किताबें मैं ले आई हूँ। अच्छा तुम्हें याद रहा? वो जाते हुए उनसे फेरिस्त ले गई थी ना, लेकिन कुछ किताबों के लिए तो इतना फिरना पड़ा। अजी आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो आदत है फिरने की। अम्मी से बच के रहिएगा, आदमी को एक मिनट में बेवकूफ बना लेती है। एक मिनट में तो नहीं, हाँ कुछ देर लगती है। ओ, मगर इस चीज़ तो पहले भी थी मेरे पास। इससे अच्छा था तो आपने लिए शैम्पू ले आती। वो भी लाई हूँ। भाई तुमने तो इसको आसमानों पर चढ़ा रखा है। बस मेरी और इसकी मुलाकात जो आसमानों पे हुई थी। ओ ब्लू, मगर ब्लू तो है मेरे पास। नहीं पसंद आया? ग्रे नहीं था? था तो लेकिन तुम्हारा साइज नहीं था। अच्छा आपके मैं इसे बदला लाऊंगा। नहीं रहने दो, कहाँ बदलाती करेंगे आप। अच्छा मारिया वो तुम एंटी रिंकल क्रीम नहीं लाई? वो आंटी लाई तो थी लेकिन वो किसी और के सामान में है। अगली दफा आऊंगी ना आपके लिए ले आऊंगी। जी हाँ, जैसे आप कैमरा लाई थी है ना, ऐसे नक्शे बांधे और कैमरा गायब। आज तक नहीं आया, पैदल आ रहा है शायद। खुदा की कसम लाई थी अंजू, पता नहीं कहाँ गया, गायब ही हो गया, उसके बाद मिला ही नहीं। उसने सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, वो गायब हो गया, अभी तक नजर नहीं आया वो। यहाँ रख दो, शाबाश जाओ। वेल मारिया कॉफी तुम बनाओ, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस है कॉफी बनाने। कॉफी आप बनाएंगी, लेकिन एक्सक्यूज मी होस्टेस, कॉफी बनाने से पहले आप मुझे अखबार ला देंगी? यस सर। कोई सा भी ले आए, एनीवन। ओह थैंक यू, खिदमत बहुत करती है मेरी, अच्छी अच्छी है। कॉफी कपड़े खराब हो जाएंगे तेरे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाजी, रहने दे। नजिया जा तो उठ के बाहर खेल जा, काम के गर्द में ना बैठा था। हाला आपके लिए किन्नू लाऊं? किन्नू कहाँ से आए? बाहर लगे हैं मरियम खाला किन्नू के दरख्त पर। हैं क्या क्या? वो जो अपने बाग में किन्नू लगे वो तोड़े तूने? हैं वो किन्नू? सुन रही है मरियम, वो किन्नू नहीं तोड़ने थे तुझे?
यहाँ कौन सा माली बैठा है जो पानी देगा, फल होंगे, सूखे सड़े हरे किसी ना काम के किन्नू क्यों तोड़े तूने? हैं? खबर है वो किन्नू खाए हुए तो गला खराब होगा, फिर रात को खू खू करती फिरेगी। चलो भागो यहाँ से। बाजी वो साथ वालों की जिम्मेदारी नहीं आई, क्या जरूरी थी आएगी? हाँ आई थी महारानी बानो, 150 रुपया सड़क तो साफ नहीं करूंगी और ना ही छत पर से पत्ते उतारूंगी। तो मैंने कहा चलो चलो जाओ तो दफा, फिर क्या करना है, 150 रुपया पूरा मांग रही थी। मैंने कहा अच्छा मैं देती हूँ 150 रुपया दे मुझे। नहीं रह रहे भाजी, इतनी बड़ी कोठी है, आप सरफा ना करें जिम्मेदारी का, आप बस रख लें उसे। ऐसे ही रखे उसे, 150 रुपये फालतू का आया, मैं आप ही कर लिया करूँगी सारा काम, पहले ही पैसों की मुसीबत पड़ी रहती है। औरतों की कमाई में बरकत नहीं होती शायद। तेरी कमाई की वजह से तो घर चल रहा है, मेरे बच्चे बन रहे, अब्बा जी की पेंशन में क्या होता था, अब्बा जी भी जिंदा इसी वजह से। अजी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? देखिए आपके बच्चे हमसे कोई अलहदा है? मैं तो सोचती हूँ पता नहीं अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया औरत को। अब देखो जरा कितनी बुरी किस्मत है मेरी, कितनी बुरी किस्मत है मेरी, अच्छी बली चली गई थी, दफा हो गई थी। सब दरख्तों को फल लगते हैं, ये ऐसा दरख्त है जिसे फल लगते हैं तो अभी आंसू छटते रहते हैं, कच्चे पक्के उदे उदे। इधर देखे मैं इधर, ये क्या कर रही हूँ? इधर देखे, फिर आपने वादा तोड़ा ना, चलें चुप करें, ये क्या बात है बोला? को पता है सारी दुनिया में औरतें जो है हमें से पेट हो रही हैं, मुकाबला कर रही हैं मर्दों का, जिंदगी का, अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं, और एक आप है हर वक्त वो ही शबनम का दरख्त बनी रहती है रोने वाला। कर ले मुकाबला, कर ले, खड़ी हो जाए अपने पैरों की, किस खू खाते में डालेंगी सारी मुसीबत इन बदबख्तों की है। बाजी खुदा के लिए, अच्छी भली दफा हो गई थी, क्या किस्मत है मेरी, तेरे हंसने खेलने के दिन थे, ऊपर से आ गई बाजी नूर 3 बच्चों को लेकर, दफा हो गई थी, किस्मत में नहीं था ना। अच्छा बस कर, बस करें आप, ये क्या बात है, चुप कर जा, ठहर जाए एक सेकंड, मैं अभी ला कर। इधर देखे मैं, इधर देखे, ये ले ना, ना, ना नहीं मुझे नहीं लगानी लिपस्टिक, दवा करा बाजी प्लीज, बाजी मेरी खातिर, बाजी की खातिर खुश खुश रहा करें ना प्लीज, के अंदर तो शायद सभी का रोता है बाजी, लेकिन बाहर तो बनी रहा करें ना। चा इधर देखे, चुप कर दिया, शाबाश। वालेकुम सलाम। वो सामने खोके वाला है, खोके वाला, उसने भेजा ही पेंट के लिए जी। नहीं उसे मुगालता हुआ, हमें पेंट नहीं करवाना है अभी। सजी कोठी की शक्ल निकल आएगी जी, पूरा नया गटअप हो जाएगा जी। अभी नहीं यार, जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें इत्तला दूंगा। वैसे हम दूसरों सस्ता काम कर देते हैं जी। जब कुछ कराना ही नहीं तो सस्ते महंगे का क्या सवाल पैदा होगा? मियाँ जी कोठी बिल्कुल बर्बाद हो गई जी, आप मेरी बात माने जी। अच्छा भाई मजबूरी है, जब हालात अच्छे हो जाएंगे, फिलहाल हमारे हालात ठीक नहीं, जब अच्छे हो जाएंगे तो हम तुम्हें जरूर तकलीफ देंगे। जैसे आपकी मर्जी जी, वैसे हम दूसरों से सस्ता काम कर देते हैं जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।
मालूम। सफेदी करने वाला था, कोठी पेंट करना चाहता था। अच्छा अच्छा, वैसे हाल तो बहुत खराब हो रहा है, सफेदियां तो होनी चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए रू, लेकिन मुश्किल यह है कि हो कुछ नहीं सकता। जिस्म और जान दोनों को एक साथ रखने में सारी कोशिश खत्म हो जाती। इधर आ, कोट पहना। जी। मैं जरा बाल कटवाऊ। अबू जी, अगर आप इतने ढीले ना होते ना तो हमारे ये हालात बदल सकते थे। कैसे? अबू जी, आप मुझे एक खत लिख लेने देना आजम भाई के नाम, सिर्फ एक खत। वो तो उस खत में लिखेगी क्या? मुझे अच्छी भली उनकी पोजीशन है, 10-15 हजार रुपए माहवार कमाते हैं कंपनी से। हाँ हाँ, तो कराची के अखराजात भी तो बहुत हैं। जी नहीं, उनकी ससुराल कोई हमारी तरह टटपूंजी है थोड़ी है कि ले दे के बस एक ही कोठी है, पुरानी खानदानी, 10-10 साल गुजर जाते हैं जिसको सफेदी नहीं हो सकती है। मुश्किल तो यही है, बेटा चाहे अमीरों में ब्याह जाए चाहे बेटी, घर तो नहीं तोड़ना होता किसी का मांग मांग के। अबू जी, आप मुझे खत लिख लेने देना। अबू जी, मेरा भी तो कोई हक है ना भाई आजम पे, उनको मेरी मदद करनी चाहिए। तो अस्तगफार पढ़, उसकी इज्जत बनी रहने दे, क्यों उसके लिए मुश्किल पैदा करती। मैं बाल कटवाया। कौन है भाई? मैं हूं नहीं अजीब तकार अली। चाय बना दे जरा। कैसे चाय बनाना? मैं चाय है ना पत्ती है ना दूध। अच्छा फिर रहने दे रहने दे, आ जाओ ना इफ्तखार मियां। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला क़िबला काबा। क्या इतनी बेमुरव्वती, इतनी बेमुरव्वती, आपने तो सारे दोस्त छोड़ दिए, अच्छे रिटायर हुए आप मियां साहब। बस यार कुछ ऐसा ही है, वक्त ही नहीं मिलता। ब्रिज खेलनी आपने छोड़ दी और तो आपने मिल के तुमसे अब हालात नहीं रहे। जाने दे मियां साहब, खुदा का खौफ करें, आपकी पेंशन है, मरियम नौकरी करती है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चूल्हे के पास बैठने वाली कोई नहीं ना, आखिर दोस्तों में भी तो रख रखाव होता है। बाकी सब कुछ छोड़ दे, मेरी तरफ जरूर आया करें, सारे ब्रिज पार्टी मेरे घर इकट्ठी होती है जुमेरात की रात। इंशाल्लाह। ये आप कुछ झूठा झूठा सा इंशाल्लाह। वो तुम्हारा कालीनों का कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का फजल है, आपके तीनों भतीजे एक में सेटल हो गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा मेरे साहब, इस जुमेरात को जरूर आना है। मैं बस जुमेरात की शाम को रेस्ट करता हूँ, वरना इतना काम होता है कि बता नहीं सकता। इस लेबर ने बड़ा मसला खड़ा कर रखा है, सबको पढ़ाई की पड़ी है, गरीब लोग भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई ट्रेड की तरफ तो वो जो ही नहीं दे रहा। आखिर टेक्निकल ट्रेनिंग भी दरकार है मुल्क को, फनकारी की, दस्तकारी की। अच्छा चले, मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे मार्केट तक जाना है जरा बाल कटवाने के लिए। चले चले, लेकिन इस जुमेरात को जरा दो सड़के आगे आना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, आप नहीं आए तो हम सब इकट्ठे होकर आ जाएंगे आपके घर थाला बोल। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, क्यों नहीं आए।
जिन वाली, ये तो एक था जिन, वो एक क्यों था? एक क्यों था? इसलिए कि बाकी एक बचा था। बाकी भी बच गया ना, देखना बात सुन। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और आप? नाइन। और बेटे आप? टू। थैंक यू, एग्जॉस्टेड, वेरी गुड। सारी कौन इकट्ठी होगी? हाँ बातें हो रही थी, बातें कर रही थी, कहानियां तो जिन था अली फ्याला में आ रहा है। दिमाग जो है, दिमाग क्यों है? ये अल्लाह मियां ने दिया, अल्लाह मियां ने दिया। अब ये तो अल्लाह मियां से पूछा, ये सवाल चले। वो तो ठीक है जिन साहब, रहमान उसे बहन ही समझते होंगे, लेकिन बात इतनी सी है कि रहमान को तो बहने बनाने का शौक है, कुछ दर्जन बन रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि कुछ? देखे अंजुम साहब, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ कि बाहर क्या होता है क्या नहीं होता? देखिए मैं ना तो मारिया को बुरा कह रही हूँ ना मैं रहमान को बुरा कह सकती हूँ, लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि ये बाहर की लाइफ है आजाद। हमें देखे सारा दिन तड़े रहते हैं घर पर, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, इन्हीं कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो मिसेस रहमान आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं कि मैं मारिया से शादी करूं? इसलिए अंजुम साहब कि हमारा ख्याल है आप दोनों की एक सी टाइप है। क्या मतलब? भाई देखे ना, अब कोई पर्दे की बीबी को तो पसंद नहीं करेंगे, और रहमान मुझे बता रहे थे कि आप दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। टू हेल्प विद ट्रैवलिंग जी, एक्चुअली मिसेस रहमान मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मारिया लड़की कैसी है। अच्छी लड़की है, कम से कम जितनी लड़कियों को रहमान जानते हैं ना, मेरा ख्याल है वो उन सब में से अच्छी है। तो आप मुझे क्या मशवरा देती हैं, मुझे क्या करना चाहिए? भाई मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती, मुझे तो रहमान ने कहा था कि मैं आपसे बात करूं, सो मैं कर रही हूं। मैं तो मारिया को भी नहीं जानती, और अगर रहमान मारिया की तारीफ करते हैं तो ठीक ही होगी तारीफ। तो आप आज तक मारिया से नहीं मिले? मिली हूँ, क्यों नहीं मिली, लेकिन दो चार मुलाकातों में क्या खुलता है। Right you are. Anyhow, sorry for bothering you. Look, अंजुम, आप लोगों की राय पे मत जाएं। अगर आपका दिल कहता है कि आप मारिया के साथ गुजारा कर सकते हैं तो जरूर शादी कर लें, क्योंकि देखिए ना, अगर उसने शादी के बाद भी सर्विस ना छोड़ी तो फिर कहीं आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि मारिया आज़ाद रही है, और अगर उसने आपका सोने का पिंजरा और चांदी की जंजीर को कबूल ना किया तो आप सोचेंगे कि देखें अंजुम साहब प्लीज़ माइंड ना करें, लेकिन ये जो सर्विस करने वाली लड़कियां होती हैं ये होती तो आज़ाद टाइप हैं, हमारी तरह तो नहीं होती ना, सीधी सादी और घरेलू सी। वेरी राइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मिसेस रहमान। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या हो रहा है रफीक? भाई चलो अंदर चलो। ये कोठी अगर मैं तुम्हारे नाम अलॉट करवाई थी तो मैं गधा था, अगर मैं इस कोठी का टैक्स तुम्हारे नाम से भरवाता रहा तो मैं मजीद बेवकूफ था, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस घर को छोड़ते ही हमारे दुश्मन बन जाओगे। अब्बा जी प्लीज। मरियम
बीच में दखल मत दो तुम। देखिए भाई, इस कोठी का मुकदमा किसने लगा, किसने पैसे लगा? तूने। और तूने इसलिए पैसे लगाए कि बढ़ापे में अपने बाप को दरबदर कर दे, अपनी बहनों को बाहर निकाल दे। लेकिन आप तीनों को छह कनाल की कोठी किस लिए जाए? अबाजी, आप किसी छोटी जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि यह आपके लिए बेहतर होगा। अबाजी, छोटे घर के अखराजात भी छोटे होते हैं। अच्छा जी, तू अपनी दयानत से कह, बिल्कुल दयानतदारी से, कि इस कोठी को बेचकर तू अपनी बहनों को हिस्सा देगा? तू जी, ये कोठी कोई मारूसी तो नहीं, इसमें बहनों का हिस्सा कैसा? लेकिन माँ बाप की जायदाद में बहन भाइयों का बराबर का हिस्सा होता है आजम। हाँ हाँ, बशर्ते के माँ बाप का हो। बाजी, आपने ये कोठी पाकिस्तान में आकर अलॉट कराई मेरे नाम में। इस कोठी के तीन कमरे में शेख हसामुद्दीन रहते थे, उन्होंने भी क्लेम दाखिल कर। कितनी देर मुकदमा चला, कितने पैसे लगाए मैंने, कितने धक्के खाए मैंने इसके लिए। आप तो तब जेल में होते थे ना बाजी। बाजी, मैंने कोठी पे कभी नजर नहीं रखी, लेकिन अब मेरी फैक्ट्री लग रही, मुझे रुपयों की जरूरत। निकल जा यहां से मरदूत, और मुझे ये कोठी बेच के दिखा। मैं अखबारों में निकलवा दूंगा, अखबारों में निकलवा दूंगा कि एक नाखल बेटे ने अपने बाप के सर से छत उठा ली। जी देखिए ना, आप आजम भाई का नुक्ता नजर भी तो समझे, उन्हें जरूरत है पैसे की फैक्ट्री के लिए। मरियम, देखो तुम बीच में मत भूल, आजम भाई हमारे लिए क्या सोचा आपने? हमारी आवाज तो कब्र के अंदर नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं नूर, सारी खलके खुदा के कोई अपने घर तो नहीं होते। चुप कर जाना बाजी, आप हम चले जाएंगे किराए के मकान में। आजम भाई, आखिर इतनी क्या मुश्किल है बाजी? तू मुझे इसे माफ करने के लिए कह रही है, इस मारे आस्तीन को, कि मैं इसके लिए माफी के दरवाजे खोल दूं इस नाखल बेटे के लिए? ऐसे बेटे को कौन बाप माफ कर सकता है? ऐसे बेटों के लिए तो बद्दुआएं होती हैं, अव्वलता आखिर, तू ही इंसाफ से कह। अब्बा जी, ऐसे बेटे को तो माफी की जरूरत है, अच्छे बेटे को क्या जरूरत है माफी की? आप देखिए आजम भाई को कोई बद्दुआ रह दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं बद्दुआ दूंगा, मैं जरूर बद्दुआ दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रातों में उठ उठ कर उसके लिए बद्दुआ मांगूंगा इसके लिए। अब्बा जी प्लीज, देखिए मेरी उन खिदमतों के अवज जो मैंने की है, प्लीज अब्बा जी आप आजम भाई को कोठी बेचने दें, ऐसा ना हो कि हम उनकी शक्ल देखने से ही रह जाए।
जानता कि बाहर तुम्हारी जिंदगी कैसे थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आजाद ख्याल लड़की के साथ बिलाकर मेरे जैसा मर्द कुछ नहीं रह सकता। मैं देखने में बहुत मॉडर्न हूं, लेकिन अंदर से शक की किस्म का मर्द हूं। बेहतर यही है कि अभी तुम्हें एक खराश लग जाए बनस्पत इसके कि शादी के बाद में तुम्हें लहूलुहान कर दूं। मैं किसी के मजबूर करने पर यह फैसला नहीं कर रहा, यह मेरा अपना फैसला है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो खुश नहीं रह सकते। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं धर रहा, सारा गुना मेरा है। खाने का वक्त हो गया उस्ताद जी, बस कोई 10 मिनट बाकी। ये लड़के कैसे जा रहे हैं? लायक हो जाएंगे, हाथ चलने लगे हैं तो। उस्ताद जी तो मानते हैं नहीं कि हमारी खाला एयर होस्टेस होती थी, विलायत जाती थी। बेटे आपने इन्हें मनवा के क्या लेना? और उस्ताद जी तो ये भी नहीं मानते कि हमारे अब्बा डॉक्टर थे, PhD। जान मैंने समझाया ना कि आप लोगों को ये मनवा के इन्हें क्या लेना है इनसे। शाबाश, आराम से अपना काम सीखो। सारे अच्छे हैं आपके, पर बोलते बहुत, शेखियां बहुत मारते हैं। आप इन्हें ये समझा दें कि कारीगर के हाथ बोलते हैं, जबान कभी नहीं बोलती। इफ्तिखार साहब जब कभी आते हैं खास पूछते हैं, अभी तो वो मेहरबान है, जो उन्होंने निकाल दिया तो चले जाएंगे खाला के पास। ख्याली खाला के पास समझाएं ने बुजुर्गो, खून का फंदा लगाएं, बातों का नहीं।